पीछे पीछे, वेरी गुड पीछे, वेरी गुड सिम्बा पीछे, वेरी गुड पीछे, वेरी गुड पीछे, वेरी गुड बॉय पीछे, वेरी गुड बॉय सिम्बा, वेरी गुड कैच। इससे पहले कि हम अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करें, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कमांड आपका डॉग काफ़ी आसानी से सीख जाएगा अगर उसे स्टैंड कमांड का पता है। मीन्स के स्टैंड कहने पर आपका डॉग खड़ा रहे, अदरवाइज जैसे ही हम उसे सिखाने की कोशिश करेंगे वो बैठ जाएगा। तो सिखाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके डॉग को स्टैंड कमांड आती है तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। आज की वीडियो में मैं ये सिखाने जा रहा हूँ कि डॉग को पीछे जाना कैसे सिखाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि घर में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कारण इसका ये है कि कई बार हमारा डॉग, अगर हम कुछ खा रहे हैं या कोई गेस्ट आया हुआ है तो उस टाइम वो पास में आ जाता है, और अगर आपके डॉग को इस बात का पता है कि आप उसे इशारा कर रहे हैं कि आपके डॉग को कि पीछे, या वट एवर जो भी वर्ड आप चूज़ करें कि गो बैक, और वो उस चीज़ को समझेगा तो वो पीछे चला जाता है। ये बहुत ही यूज़फुल कमांड है डे टू डे लाइफ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आप अपने डॉग को ये कैसे सिखा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कमांड को सिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे हाथ की पोजीशनिंग। अगर हमारा हाथ ज़्यादा नीचे होगा तो हमारा डॉग नीचे की साइड झुकेगा, और ऊपर होगा तो उसका नेक आसमान की साइड हो जाएगा। तो हमें इस हमारे हाथ में ट्रीट रखी है, हमारे हाथ को ऐसे पोजीशन में रखना है जिससे हमारे डॉग की नेक ज़्यादा टिल्ट ना हो, और जब हम उसे पीछे की साइड मूव करवाना चाहें तो वो पीछे की साइड मूव करें। हमारे हाथ की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। पीछे सिम्बा पीछे, गुड बॉय पीछे, वेरी गुड पीछे 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 पीछे, गुड बॉय। जब हम हमारे डॉग को ऐसे पीछे की डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तो कई बार हमारा डॉग इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। तो लेकिन हमें इसको, जैसे मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था, हमें हमारे डॉग के फेस को ट्रीट से स्टीयर करना है, जैसे हम अपनी गाड़ी को करते हैं। जैसे हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से हमें हमारे डॉग को स्टीयर करना है कि अगर वो इधर जा रहा है तो हमें इधर करना है, और इधर जा रहा है तो इधर। इसके साथ अगर आपका डॉग टिल्ट होता है तो आप उसको ऐसे करके सीधा भी कर सकते हैं, गुड बॉय सिम्बा। जब हम हमारे डॉग को ऐसे पीछे लेकर जाएंगे तो कम से कम 2-3 सेशन आपका डॉग लेगा ऐसे पीछे जाने में, और एक स्ट्रेट मूवमेंट में। जब आपका डॉग ऐसे स्ट्रेट मूवमेंट लेना स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद हमें इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। नेक्स्ट लेवल इसका ये है कि हमें उसके साथ एक जेस्चर ऐड करना है कि पीछे जाने के लिए, कम ऐसी बात। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा डॉग पीछे जाना स्टार्ट करेगा तो हम बिना उसको पुश करें हम ट्राई करेंगे कि वो पीछे जाए। हम बोलेंगे कि जो भी बोलना है, जैसे मैं बोलता हूँ, कम ऐसी बात, पीछे पीछे पीछे, यस गुड बॉय गुड बॉय, पीछे पीछे। तो आपका डॉग इस तरीके से पीछे जाना स्टार्ट करेगा, कम है। स्टार्टिंग में हमें बहुत ही ज़्यादा छोटे स्टेप्स लेने हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि हमें डॉग की छोटी से छोटी चीज़ को अप्रिशिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जब हमारा डॉग एक सिंगल स्टेप भी पीछे लेगा तो हमें उसको उसी टाइम ट्रीट देनी है। जैसे ही आपका डॉग सपोज इस पोजीशन में है और वो ऐसे एक स्टेप पीछे लेता है, उसी टाइम पे आपको अपने डॉग को अप्रिशिएट करना है ट्रीट के थ्रू, उसको ट्रीट देनी है ताकि उसे पता लगे कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे एक से वो 2 स्टेप्स करेगा, 3 स्टेप्स करेगा, 4 स्टेप्स करेगा। लेकिन इस पॉइंट पर जब हम उसे सिखा रहे हैं तो हम ये सिखा रहे हैं कि हम हमारे डॉग के साथ मूव कर रहे हैं। इस मूवमेंट के दौरान हमें जो पीछे जाने का जेस्चर है वो हमारे डॉग को के माइंड में बिठाना है। जब हम हमारे डॉग को ऐसे पीछे करेंगे तो हमें साथ में जेस्चर करना है, पीछे पीछे पीछे। जब हमारा डॉग हमारे साथ एक मूवमेंट में चलेगा तो उसके बाद हमें फिर जो फाइनल स्टेप आता है वो करना है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वो इस तरीके से काम करेगा। स्टैंड अप सिम्बा, कम है, गुड बॉय, पीछे पीछे, नो स्टैंड, स्टैंड अप, कम ऑन, गुड बॉय। अगर आपका डॉग ऐसे भी करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉग्स को बैठने की आदत होती है, उन्हें लगता है कि वो बैठेगा तो उसको ट्रीट मिलेगी,
और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपका डॉग इस तरीके से बिहेव करता है उसमें भी कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी मस्ती का टाइम है, वो एनर्जेटिक है, वो ट्रीट्स चाहता है। और ये एक प्लस पॉइंट है, आपका डॉग इस लेवल पे होना चाहिए कि वो ट्रीट्स को चाहे जो ये कर रहा है इस टाइम पे, और ये बहुत अच्छी चीज है। वेरी गुड क्वेश्चन। पीछे पीछे पीछे, वेरी गुड। पीछे 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 पीछे, वेरी गुड बॉय। तो जब हमारा डॉग इस चीज़ को समझेगा कि हम उसे पीछे जाने को बोल रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हमें अपने आप को एक स्टेशनरी पोजीशन में लेके आना है कि हम एक जगह खड़े होंगे, और आप उसके बाद हमारी फाइनल स्टेज स्टार्ट होती है जिसमें हम ये ट्राई करेंगे कि हमारा डॉग पीछे जाना स्टार्ट करे, हमारे बिना उसके साथ मूव करे। उसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि वो कैसे होगा। पीछे पीछे सिम्बा, स्टार्टिंग में हमारा डॉग सिर्फ एक स्टेप लेगा और हमें उसी टाइम पे उसको ट्रीट देनी है। फिर हमें अपने आप को वहीं पे रखना है और ट्राई करना है कि वो एक की बजाय दो स्टेप्स ले। यस, पीछे पीछे सिम्बा, पीछे पीछे, वेरी गुड बॉय। पीछे, वेरी गुड। पीछे पीछे पीछे, गुड बॉय। कैच, वेरी गुड बॉय। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एक स्टेप पीछे लेने के बाद दो स्टेप्स होंगे, फिर तीन स्टेप्स होंगे, और इस तरीके से जैसे जैसे आपके डॉग को समझ आएगा वो इस बात को समझ लेगा कि उसे पीछे जाना है। बस यही प्रोसेस हमें रिपीट करते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करनी है। जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है ये मेरे डॉग की 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग का रिजल्ट है। आपका डॉग इससे कम टाइम भी ले सकता है, इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। अब आज के दिन मेरा डॉग 8 मंथ्स का है, मैं इसको बहुत लंबे टाइम तक करवाने वाला हूँ, 1 साल के बाद और या उससे ज़्यादा पीरियड के बाद वो इसको बहुत ही अच्छे ट्रेंड लेवल पर करेगा। अब ये आपकी इच्छा है कि आप अपने डॉग को ये कमांड कितने अच्छे लेवल पर सिखाना चाहते हैं। सिर्फ घर के यूज़ के लिए जितना मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आपका डॉग इतना सीख जाता है तो उसे पता है कि जब आप उसको कह रहे हो कि बैक और मूव बैक या पीछे, तो उसको पता है कि उसे पीछे जाना है, और घर के यूज़ के लिए इतना ही बहुत है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके डॉग को बहुत एप्रिसिएशन मिले, उसकी आप भी वीडियोस बनाना चाहते हैं या ज़्यादा एडवांस लेवल सिखाना चाहते हैं, तो आप इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्राई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, आपको किसी चीज़ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो डू राइट इन कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। साथ ही में हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करें, और जितनी भी डॉग रिलेटेड वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा जैसे अब तक करता आया हूँ। तो जितना भी डॉग रिलेटेड स्टफ़ है उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द लव, शेयर माय वीडियोस, एंड डू कनेक्ट विद अस ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ हमें वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम।